Chappelle Cut. स्टूडेंट्स वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस. आज का जो हमारा सेशन है वही क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 द माइजर इन द बश. अ फार्मर हैड अ फेथफुल एंड द डिलिजेंट servant who had worked hard for him 3 years without having been paid any wages. At last it come to the servant's mind that the would not go on thus without pay any longer. So he went to his master and said, I have worked hard for you a long time. I trust that you give me what I deserve to have to my trouble. The farmer was a bad miser and knew that the servant was very simple hearted. So he took out 3 pence and gave him for every year survive a penny. The poor fellow thought it was a great deal of money to have and said to himself, why should I work hard? I live here on bad fare any longer. I can now travel into the wide world and make himself merry. मतलब एक होता ये है कि एक बहुत ही servant है, मतलब ठीक है, एक नौकर है. वो अपने मालिक के यहाँ पे काम कर रहा है, 3 साल हो गए उसे, 3 साल से वो काम कर रहा है. उसने अपने मालिक से कोई पैसे नहीं मांगे, ठीक है. फिर उसके माइंड में एक दिन आया कि अभी तक मेरे मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए, अब तो मुझे मेरी सैलरी मांगना चाहिए. अब वो उसके मालिक के पास जाता है, ठीक है. तो फिर वो उससे कहता है कि प्लीज मैंने आप पे इतना विश्वास किया तो मेरे जो पैसे हैं आप मुझे वापस कर दो. लेकिन जो फार्मर है वो तो बहुत अच्छा होता, मतलब एक जो फार्मर है वो कहता है बैड माइजर होता है, मतलब उसका जो हार्ड होता है बुरे दिल का होता है वो, ठीक है. जबकि जो सर्वेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है. सो ही टुक आउट 3 पेंस, ठीक है. वो 3 पेंस कुछ लेता है वहां से, गिव हिम ईयर सर्विस अ पेनी. वो एक पेनी लेता है उसके 3, मतलब एवरी सर्विस के, मतलब हर ईयर की जो सर्विस होती है, जो काम किया उसके लिए एक पेनी लेता है ओनली, ठीक है. और वो वहां से निकलता है, ठीक है, किसके लिए, कि उसको, मतलब वो सोचता है कि मतलब उसे जो उसने काम किया उसके पैसे के लिए, उसके लिए ये पेनी ही काफी है. अब वो निकलता है कि मैं बाहर निकलूंगा और वर्क हार्ड करूंगा और इस दुनिया में ट्रेवल करूंगा और आगे अपने आप को सक्सेस करूंगा. With that he put his money into his purse and set out roaming over hills and valleys. उसने जो पैसे हैं वो अपने पास रखे और वहां से निकल गया. वहां पे घूमते घूमते वैलीज और जो हिल पहाड़ी इलाका होता है वहां पे चला गया. As he jogged along over the field singing and dancing. वो डांस करते करते और गाना गाते गाते वहां से निकल गया. A little dwarf met him. उससे कौन मिला, एक बोना आदमी मिला, ठीक है. And asked him what made him to him so merry. Why what should make the downhearted? Said he, I am साउंड इन हेल्थ एंड रिच इन पर्स, वॉट शुड आई केयर फॉर. मतलब वो कहता है जो वो उसको जो एक छोटा सा मतलब जो इंसान मिलता है, ये देखो ये तो उसने उसके वो उससे ले ली, उसके मतलब जो वहां पे जो उसका किसान था उससे ले ली, तो उसने एक एक पेनी ले ली. अब वो वहां पे निकल रहा है रास्ते में तो उसको कौन मिला, एक मतलब एक बौना इंसान मिला, ड्वार्फ मिला, ठीक है. तो उसने कहा कि तुम मतलब क्या है, तुम्हारे पर्स में क्या है, उसने सब पूछा, जानकारी ली. तो उसने कहा कि मेरे पास जो साउंड है, मेरी जो आवाज है वो क्या है, हेल्थ है, जिससे इंसान क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, और वही उसके लिए क्या है, धन है. तो व्हाट शुड आई केयर फॉर, आई हैव सेव्ड अप माय 3 इयर्स अर्निंग एंड हैव इट ऑल सेफ इन माय पॉकेट. मैंने अपने 3 साल की जो मेहनत की है उसकी कमाई मेरे पर्स में सेफ है. हाउ मच मैनी इट कम टू सेट द लिटिल मैन. उसने कहा ठीक है लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, ठीक है. फुल 3 पेंस, उसने कहा मेरे पास 3 पेंस है. सर्वेंट द मतलब सर्वेंट ने उत्तर दिया, आई विश यू वुड गिव देम टू मी. आई विश यू वुड गिव देम टू मी सेड द अदर. आई एम वेरी पुअर. देन द सर्वेंट पिटेड हिम अ गेव हिम ऑल द हैड एंड द लिटिल ड्वार्फ सेड इन रिटर्न एज यू हैव सच अ काइंड ऑनेस्ट हार्ट आई विल ग्रेंट यू 3 विशेस. मतलब उसके ड्वार्फ मैन ने क्या कहा, अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मेरी मदद कर सकते हो. तो उसने कहा ठीक है मेरे पास जो 3 पेनीज है मेरी, मतलब हर ईयर के अकॉर्डिंग जो मुझे मिली है वो मैं आपको दे देता हूँ. और फिर उसने जो उसका ड्वार्फ मैन था, मतलब जो बोना आदमी था, उसने कहा ठीक है तुम तो बहुत दयालु इंसान हो, इसके लिए फिर मैं तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, कोई भी इच्छा करो, तुम्हारे जो 3 विशेस है हर एक पेनी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें 3 विशेस दूंगा, ठीक है. उसने यहाँ पे लिखा, अब सो चूज व्हाट एवर यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो तुम उसे चूज कर सकते हो. देन द सर्वेंट रिजॉइंस एज हिज गुड लक एंड सेड, वो उसके गुड लक के अकॉर्डिंग, मतलब उसने बोला ठीक है, आई लाइक मेनी थिंग्स बेटर देन मनी. मेरे मतलब मुझे मनी से ज्यादा और भी दूसरी चीजें पसंद है. फर्स्ट मतलब पहली उसने कहा कि आई विल हैव अ बो दैट विल ब्रिंग डाउन एवरीथिंग आई शूट एट
उसने कहा कि पहले तो मुझे धनुष चाहिए कि कभी मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं उसे शूट कर सकूं। सेकंड, आई फिडल अ फिडल दैट विल सेट एवरीवन डांसिंग दैट हियर मी प्ले अपॉन इट। अब इसमें फिडल का मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होता है, जिससे वायलिन की तरह होता है, जिसे हम बजा सके। तो उसने वो मांगा कि जब भी अगर मैं वो उसे बजाऊं तो कोई भी इंसान उसे सुनकर डांस करने लगे। थर्ड, आई शुड लाइक दैट एवरीवन शुड ग्रेंट व्हाट आई आस्क द ड्वार्फ सेड। मतलब तीसरा उसने कहा कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो हर कोई पाना चाहे। द ड्वार्फ सेड दैट ही शुड हैव हिज थ्री विशेष। उसने कहा ठीक है तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी होगी। सो ही गेव हिम द बो एंड फिडल एंड वेंट हिज वे। उसने उसे एक धनुष दे दिया, उसकी फिडल दे दिया और कहा ठीक है अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। फिर वो अपने रास्ते निकल गया। अवर ऑनेस्ट फ्रेंड जर्नीड ऑन हिज वे टू एंड इफ ही वॉज मेरी बिफोर ही वॉज नाउ 10 times more show. He had not gone far before the meet an old miser. Close by them stood a tree and on the topmost twig as a truss, singing away from joyfully. Oh, what a pretty bird. अब वो चलता गया, घूमता रहा, ठीक है? अब वो वहां से घूमता रहा, वो 10 times अलग अलग जगह पर गया। वो जो बूढ़ा इंसान है, उसको कौन मिला, वो एक बूढ़े इंसान से भी मिला वहां पर, और जाके एक पेड़ के नीचे वो वहां पे बैठ गया, ठहर गया। फिर वो टॉप मोस्ट मतलब जो ट्विंग होती, ट्विंग मतलब जो ब्रांचेस होती, सबसे ऊंची ब्रांचेस थी, वहां पर जाके बैठ गया और वहां पे बैठकर गाना गाने लगा, ठीक है, खुशी से। और एकदम से उसने कहा ओ व्हाट अ प्रिटी बर्ड, उसको कोई बहुत सी सुंदर चिड़िया दिखाई दी होगी। ये किसने कहा, सेड द माइजर, माइजर ने कहा, जो एक बूढ़ा माइजर उसे मिला था ना उसने, ठीक है। आई वुड गिव अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू हैव सच अ वन इफ दैट ऑल सेड द सर्वेंट। उसने कहा कि अब तो मतलब जो है ये मनी से मतलब पैसों से ज्यादा है। आई विल सून ये चैप्टर काफी पढ़ा था, ये जो चैप्टर का ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट इसकी स्टोरी रहेगी हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।